ये है रेडी मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट। पे आ चुका है मेरा खाना। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अलेक्जेंडर ब्लॉगर। तो गाइस, बहुत दिनों बाद मैं आ चुकी हूँ। मैंने सोचा चलो आज ब्लॉग बना लेते हैं। डेली छत पे घूमती हूँ पहले सुबह सुबह, तो आज मेरा पता नहीं क्यों मन किया, थोड़ा सा सही अच्छा सा लग रहा है, पर आज थकान है मुझे थोड़ी सी। तो मैंने सोचा चलो आज ब्लॉग बनाते हैं सुबह से, मैं कैसे स्टार्ट करती हूँ। बस अभी नीचे से आई हूँ, ब्रश वगैरह फ्रेश वगैरह हो गए, थोड़ा आधा घंटा छत पे घूमूंगी, सॉन्ग चलाती हूँ जीजस सॉन्ग, और छत पे घूमती हूँ आधा घंटा। तो चलो छत पे घूमते हैं, फिर उसके बाद नीचे जाके बताते हैं कि हम नीचे जाके क्या क्या पूरे दिन का रूटीन रहेगा आज हमारा, क्या क्या बनाएंगे, क्या क्या खाएंगे पूरे दिन, क्या क्या कर रही हूँ आजकल मैं। तो यहाँ पे ऊपर घूम रहे हैं और हम जा रहे हैं नीचे सारे, यहाँ पे सब गेट वगैरह बंद करने होते हैं, चाबी इतनी बड़ी होती है सब में ताला लगाना पड़ता है, यहाँ पर इतने काले काले लग रहे हैं। और ये सामने सारा सामान का वो रखा है। तो गाइस यहाँ पे आ चुके हैं हम नीचे, और हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले आएंगे किचन में और हम अपने लिए बनाएंगे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आज मैं लेने वाली हूँ दूध और क्या बोलते हैं चीला। बेसन का चीला और दूध, तो बेसन के चीले की तैयारी करनी पड़ेगी, प्याज काटनी पड़ेगी, आलू काटना पड़ेगा, नहीं प्याज टमाटर और हरी मिर्च काटनी होगी। और आज से मैं अपना जूस भी, यानी कि जो घर में चकुंदर वाला जूस स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है। थोड़ी सी चकुंदर, थोड़े से टमाटर, थोड़ी सी गाजर, पर गाजर आज हमारे पास है नहीं, तो हम टमाटर और चकुंदर का बनाएंगे, चकुंदर कम टमाटर ज़्यादा, क्योंकि चकुंदर थोड़ी गर्म होती है इसलिए, ठीक है। ये क्या था, ये क्या था। तो ठीक है चलो अपना काम करते हैं, लेके आते हैं सारा सामान पहले। तो गाइस अभी यहाँ पे किया था मैंने अपना वेट, मैं सोचा बनाने से पहले खाने से पहले वेट कर लेती हूँ, मैंने सोचा तो सुबह एक बार खाली पेट करूँगी, रात किया था, ठीक है। इतना ही था, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा वही, ज़्यादा कम ना ज़्यादा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आ चुकी है प्याज और आधा टमाटर मैं रखा था, तो ये आ गई मैं। ये हो चुका है हमारा रेडी प्याज टमाटर और हरी मिर्च, और अब हम निकालेंगे बेसन, क्योंकि ये देखो गर्म हो चुका है बेसन। वैसे ये हमारा बेसन है, थक गए। इसमें तो गाइस हम डालेंगे नमक, लाल मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर। साथ साथ इसे भी देख लेते हैं उतरने का है, वो बेसन ही खराब था विशाल वाला ना, जैसे यानी कि चीले बना रही थी तो फट रहे थे उसके, फट भी नहीं रहते चिपक जा रहे थे उसके, देखो यार आराम से कर पता। दोपहर तक हमारी दही तैयार हो जाएगी।
बादाम, इलायची, दूध और चटनी। तो गाइस ये है रेडी मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट। चलो तो गाइस यहाँ पे करते हैं एंजॉय अपना चीला, देखते हैं चीला कैसा लग रहा है। तो गाइस यहाँ पे हो चुका है ब्रेकफास्ट बस अभी अभी करके बट इतना बढ़िया पेट बहुत ज्यादा। और अब यहाँ पे हमारी किचन की होगी सफाई। ये देखो पूरी किचन पहले 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 पूरी किचन की सफाई करनी है, सारा सामान भरा रखा है, बड़ी इरिटेटिंग सी हो रही हूँ मैं। ठीक है चलो कर ले रहे हैं जल्दी जल्दी सफाई है। करती है पूरे किचन क्लीन। और अब मैं करूंगी थोड़ा आराम, उसके बाद नहाना है, फिर प्रेयर करनी है। थक गई। अच्छा हुआ मैंने दवाई का अलार्म लगा रखा है, अभी बजा, वैसी वीडियो बंद हो गई। सब दवाई खा लेते हैं, पहले लाइट बंद कर देते हैं किचन की। तो यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ। तो अभी मेरा अलार्म लगा हुआ था 10:30 बजे का कि जूस पीना है, पर 10:30 बजे मैं जूस बना रही हूँ, 11 बजे तक आराम से पीऊँगी क्योंकि आज थोड़ा सा हैवी ब्रेकफास्ट हो गया था। तो इसलिए तो यहाँ पे मैं टमाटर ले रही हूँ, चकुंदर ले रही हूँ क्योंकि यही दो चीज़ें डालते तो बहुत चीज़ें हैं। अभी इसमें वो भी डाल सकती थी, पालक डाल सकती थी और बहुत सारी चीज़ें। अब जब डालनी नहीं है तो याद क्या करना है। ठीक है तो यहाँ पे अपनी चकुंदर कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले पूरी चकुंदर नहीं, आधी चकुंदर, तो फिर ज़्यादा हो जाएगी। तो गाइस ये देखो सिस्टम कैसे बना रखा है, फोन रखने का। मैं रेगुलर अगर ब्लॉग बनाने लगूँ तो उसके बाद में ये सब सामान मंगाऊंगा कि पता चले पैसे खराब करके ब्लॉग बनाएंगे। तो जो सुन रहे तो यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं आलू टमाटर बनाने की। तो ये रहे हमारे आलू और यहाँ पे हम खाएंगे आड़ू और लीची, तीन लीची क्योंकि लीची हम ज़्यादा नहीं खा सकते हैं।
तो ये मुझसे ऐसे छिलती नहीं, इसमें कांटे कांटे से रहते नहीं, मुझे इससे छिल पहले। अब यहाँ पर हम बनाने वाले हैं रोटी। Hey guys, तो खाना बना के जो गर्मी लगी है तो मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ ऐसी चला के। हाँ पहले से सही कर ली जल्दी ऐसी हवा जल्दी जल्दी आ जा। 25 पे नहीं कम करती हूँ, इसे फुल कर देती हूँ। हाँ अरे यहाँ पे खा रही हूँ मैं चीकू 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 चीकू। तो वैसे यहाँ पे आ चुका है मेरा खाना और जिसमें है दही है, आलू टमाटर की सब्जी है, सैलड है, रोटी है और थोड़े से चावल हैं। तो चलो अपने चावल इंजॉय करते हैं। चावल रोटी सब्जी, सब्जी थोड़ी मैंने पानी वाली बनाई है क्योंकि मुझसे ना ज़्यादा वैसी वाली खाई नहीं जा रही थी आज। पता नहीं क्यों ऐसा मन कर रहा था पतले पतले वाले टमाटर आलू ऐसे वाले खाती हूँ, पानी वाले ही मन था। आएंगे गाइस गुड इवनिंग। तो हो चुकी है शाम और मैं सो के उठ चुकी हूँ। बीच में एक बार उठी थी जब मैंने नीम पानी बना के पिया था। तो हम खाने वाले हैं यहाँ पे आम। ये है हमारे आम, अभी से हम कट करेंगे, हम ले जाकर हम बैठ के खाएंगे। तो गाइस यहाँ पे हो चुकी है शाम, 7 बज रहे हैं। शाम नहीं अब तो रात ही हो जाएगी आधे घंटे में। बस मैं सेब खा के थोड़ा सा बाहर घूमने जा रही हूँ, भूल गई थी दिखाना आज का कि शाम को सेब खा रहा हूँ। ओहो क्या बात है, किस सेब पे मैंने आपको दिखाया, देखो दिख जाओ भाई दिख जाओ, ये सेब ऐसा हो रहा है। अभी एक सेब फेंका है मैंने पूरा, पूरे के अंदर अभी दिखाऊँगी, पूरा सड़ा हुआ अंदर से। ये देखो भाई पूरा सड़ा हुआ ले लिया हमने माचे सर। चलो बाहर घूमने, स्टोर ढूंढना है। ठीक है गाइस गुड मॉर्निंग। तो हो चुका है नेक्स्ट डे, हो चुकी है सुबह। कल शाम थोड़ा सा बस क्या है था लास्ट में सेब खाया था, उसके बाद मैं बाहर घूमी थी, फिर उसके बाद मैं थक गई थी तो मैं आके लेट गई थी। फिर खाना वगैरह भी मैंने वहीं पे खाया, वहीं पे लेट गई क्योंकि बहुत थक गई थी घूमने के बाद। तो कुछ नहीं बस इस, अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और ब्लॉग को पूरा देखा करो। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं डेली ब्लॉग डालूँ या ना डालूँ, क्योंकि व्यूज़ ही नहीं आ रहे, फिर मन नहीं कर रहा। पहले डाल रही थी तो अच्छे आने भी लगे थे, अब नहीं डाल रही, मन ही नहीं करता एडिट करने का कुछ भी करने का। इसलिए अरे देखो सुबह सुबह यहाँ पे धूप ज़रूर है पर सुबह सुबह हवा चलती रहती है, मैं इधर छाया में घूमती रहती हूँ और इधर हवा चलती रहती है, बहुत मज़ा आता है। आइए छत मत देखना, ये गंदी रहती है क्योंकि हम ऊपर नहीं रहते, ऊपर का पूरा पोर्शन गंदा ही रहता है, ठीक है, क्योंकि ये अंकल का ही हमारा नहीं है इसलिए, ठीक है। तो गाइस चलो मिलते हैं आपको
कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग शायद आज ही आ जाए, आज ही डाल दूँगी। अभी जाके नीचे वो कर लूँगी और फिर 5-6 बजे अपना डाल देंगे, ठीक है। तो बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।